गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में हिंदी की गिनतियों को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हिंदी की गिनतियों को। जी हाँ, आज हम हिंदी की काउंटिंग सीखेंगे हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट में। हमारा चैप्टर नंबर है 15, जिसका नाम है हिंदी की गिनती और काउंटिंग इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं 1 to 20 काउंटिंग्स इन हिंदी। एज यू ऑल नो कि इसको हम वैसे तो पहले मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम दोबारा से सीख लेते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए। वन, वन को बोलते हैं एक। लिखने का तरीका आप लोग देख लीजिएगा। एक, एक। वन को क्या बोलते हैं? एक। टू, टू को बोलते हैं दो। टू को क्या बोलते हैं? टू को बोलते हैं दो। थ्री, थ्री को कहते हैं तीन। तीन। थ्री को क्या बोलते हैं? थ्री को बोलते हैं तीन। और लिखते किस तरीके से हैं? इस प्रकार लिखते हैं तीन। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर, फोर को बोलते हैं चार। और लिखने का तरीका होता है ये, फोर चार। फिर है फाइव, फाइव को बोलते हैं पांच। फाइव को क्या बोलते हैं? फाइव को बोलते हैं पांच। और ये कुछ कुछ वाई की तरह लिखा जाता है। किसकी तरह? वाई की तरह। तो फाइव पांच। उसके बाद आता है सिक्स, सिक्स को बोलते हैं छ। क्या बोलते हैं? छ, सिक्स छ। और ये उल्टे थ्री की तरह लिखते हैं। ये होता है हमारा सिक्स और ये होता है हमारा थ्री। तो ये हो गया ना सिक्स, हमारा उल्टा थ्री। आगे चलते हैं। सेवन, सेवन को बोलते हैं सात। क्या बोलते हैं? सात। और ये कुछ कुछ सिक्स की तरह ऐसे घुमाकर लिखा जाता है। सेवन को क्या बोलते हैं? सेवन को बोलते हैं सात। उसके बाद है आठ, आठ को बोलते हैं एट। एट को क्या बोलते हैं? आठ बोलते हैं। और आठ को बोलते हैं एट। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, एट आठ। उसके बाद आता है नौ, नौ को बोलते हैं नाइन। क्या बोलते हैं? नाइन। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे भी लिखते हैं नाइन, लेकिन अगर आपको इस प्रकार नाइन लिखने में दिक्कत होती है तो आप नाइन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी नाइन ही होता है। ठीक है, मतलब हिंदी में नौ होता है। कैसे? ऐसे बनाया और पीछे से इसकी पूंछ निकाल दी। ये होता है नाइन, यानी कि नौ। अब है टेन, टेन को बोलते हैं दस। टेन को क्या बोलते हैं? टेन को बोलते हैं दस। अब देखते हैं इलेवन, इलेवन को बोलते हैं ग्यारह। क्या कहते हैं? ग्यारह। इलेवन को बोलते हैं ग्यारह। ये है ट्वेल्व, ट्वेल्व को बोलते हैं बारह। बारह। ट्वेल्व को क्या बोलते हैं? बारह। बारह। उसके बाद है थर्टीन, थर्टीन को बोलते हैं तेरह। क्या कहते हैं? तेरह। थर्टीन, तेरह। फिर आता है फोर्टीन, फोर्टीन को बोलते हैं चौदह। क्या बोलते हैं फोर्टीन को? चौदह। थर्टीन, फोर्टीन। फोर्टीन को बोलते हैं चौदह। उसके बाद है फिफ्टीन, फिफ्टीन को कहते हैं पंद्रह। ये हमारा एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। फिफ्टीन को बोलते हैं पंद्रह। फिफ्टीन, पंद्रह। सिक्सटीन को कहते हैं सोलह। सिक्सटीन, सोलह। सिक्सटीन को क्या कहते हैं? सोलह। सेवनटीन को बोलते हैं सत्रह। सेवनटीन को क्या कहते हैं? सत्रह। सेवनटीन, सत्रह। एटीन को कहते हैं अठारह। एटीन, अठारह। और अब है नाइनटीन, नाइनटीन को बोलते हैं उन्नीस। क्या बोलते हैं नाइनटीन को? उन्नीस। नाइनटीन, उन्नीस। और लास्ट हमारा है ट्वेंटी, इसको बोलते हैं बीस। ट्वेंटी को क्या बोलते हैं? ट्वेंटी को बोलते हैं बीस। तो चलिए एक बार सारी काउंटिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच,
छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये लास्ट है बीस। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, जी हाँ हिंदी ग्रामर की नोटबुक में ये सारी काउंटिंग्स इन इंग्लिश वर्ड्स सॉरी इंग्लिश नंबर्स, हिंदी नंबर्स और हिंदी शब्दों में लिखना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।